तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से एक मूवी आ रही है जिसका नाम है देवरा। इस फिल्म के लीड रोल में आपको जूनियर एनटीआर देखने को मिलेंगे। बने रहे इस वीडियो में। इस फिल्म से रिलेटेड सारी जानकारी बताती है कि इस फिल्म की रिलीज डेट क्या है या फिर इस फिल्म में और क्या ट्विस्ट नया आने वाला है। तो जूनियर एनटीआर की इस मूवी को दो पार्ट में बनाया गया है और ये देवरा का पार्ट वन होने वाला है, जिसमें आपको जूनियर एनटीआर के साथ साथ सैफ अली खान और जानवी कपूर लीड रोल में दिखाई देंगे। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं कोटाला शिवा, जिन्होंने चिरंजीवी और रामचरण के साथ आचार्य, जनता गैरेज और महेश बाबू की भारत जैसी बहुत ही चर्चित फिल्म को रिलीज किया है। और इसके अलावा इन्होंने 18 से भी ज्यादा फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। इस फिल्म की बजट की बात करें तो लगभग 300 करोड़ के आसपास रखी गई है। वैसे भी आजकल कोई भी मूवी 350-300 से कम में, और खास करके इस फिल्म का जो जॉनर है एक्शन ड्रामा फिल्म, उसके लिए तो 250-300 करोड़ ऐसा लगता है कि फिक्स ही कर दिया गया है। वैसे इस फिल्म का रिलीज डेट है 5 अप्रैल 2024, लेकिन खबरों की माने इस फिल्म को थोड़ा और डिले कर सकते हैं। वैसे बॉलीवुड जितना तो साउथ इंडस्ट्री में इतनी डेट्स चेंज नहीं होती है, लेकिन इस फिल्म में देखते हैं। वैसे अगर बात करें डिले क्यों हो रही है, तो इस फिल्म में जो VFX का काम है उसकी वजह से इस फिल्म को पोस्टपोन करना पड़ सकता है, क्योंकि ऑडियंस ने इतने सारे CG और VFX देखे हैं कि अगर कुछ ज्यादा बेहतर नहीं मिल पाया तो कभी भी कोई भी फिल्म पिट सकती है। क्योंकि कोई भी फिल्म इंडस्ट्री हो, अब पहली वाली बात नहीं रह गई, किसी भी तरह एडजस्ट करके देख लेंगे। क्योंकि अब लोगों को VFX CGI तो दिखता है, लेकिन उसके अलावा डिट्टो ओरिजिनल में हो रहा है ऐसा सीन्स देखने को मांगता है। तो ऑडियंस की तरफ से तो यही कहेंगे कि जितना डिले करना है थोड़ा और कर लो, लेकिन VFX CGI में कोई भी कम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। वैसे चलिए देखते हैं इस फिल्म की जो रिलीज डेट है उसी में आती है या फिर पोस्टपोन करके कुछ नया डेट सामने निकल के आता है। वैसे सारे फिल्म इंडस्ट्री के सारे अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी अलग वीडियो में।